सब्सक्राइब करें इंडियन स्पिरिचुअल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। भारत में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। इस बारे में आप सभी जानते हैं, मगर इसके अलावा भी इनके कई ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, आज हम आपको शिव जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिससे बहुत कम लोग रूबरू हैं। आपको बता दें कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव शंकर आज भी बालक के रूप में खेलने के लिए आते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस अनोखे मंदिर में। हम बात कर रहे हैं हिमाचल के ऊना में स्थित मंदिर के बारे में, जिनके बारे में मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के दौरान पांडवों ने कराया था। बता दें ये मंदिर सोनभद्र नदी के किनारे जंगल में स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुरु द्रोणाचार्य की ये नगरी थी। यहाँ पर वे पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि गुरु द्रोणाचार्य रोज यहाँ से कैलाश पर्वत पर शिव जी की आराधना करने के लिए जाते थे। इनकी पुत्री थी जिसका नाम जयजयति था। एक बार इनकी पुत्री ने पूछा कि आप रोज पर्वत पर क्या करने जाते हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि वहाँ भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए जाते हैं। ये जानने के बाद एक दिन जयजयति भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी, मगर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम घर पर ही उनकी आराधना करो। जिसके बाद जयजयति ने शिवबाड़ी में एक मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और उनकी पूजा करने लगी। इस मासूम बच्ची की निस्वार्थ तपस्या को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और बालक के रूप में रोजाना उसके पास आने लगे और उसके साथ खेलने लगे। जब जयजयति ने अपने पिता द्रोणाचार्य को ये बात बताई तो अगले दिन वे कैलाश पर्वत पर न जाकर वहीं पास में ही कहीं छिप कर बैठ गए। जैसे ही बालक रूपी महादेव जयजयति के साथ खेलने पहुंचे, गुरु द्रोणाचार्य उनके प्रकाश को देखकर समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। ये सब देखने के बाद वे बालक के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारी पुत्री उनको सच्ची श्रद्धा से बुलाती थी, इसलिए वे यहाँ पर आते थे। मगर बाद में द्रोणाचार्य की पुत्री जयजयति भगवान शिव को वहीं रहने की जिद करने लगी। उसकी जिद पर भगवान शिव वहां पिंडी के रूप में स्थापित हो गए और वचन दिया कि हर साल बैसाखी के दूसरे शनिवार यहां विशाल मेला लगेगा और उस दिन ये वहां स्वयं विराजमान रहा करेंगे। जिसके बाद से इस मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार शिवबाड़ी पहले भूत प्रेतों का वास था। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव बालक के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, आप भी हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर में जरूर दर्शन करके आएं। साथ ही दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना न भूले, शेयर करना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।